जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है जैसा कि आपको विदित है श्री रामचरित मानस पे चर्चा आगे बढ़ रही है तो आज का विषय है तुलसीदास जी का अद्वैत जी स्वयं प्रकृति हैं और स्वयं ब्रह्म भी तो प्रश्न बनता है कि श्री रामचंद्र जी कौन है श्री रामचंद्र जी फिर यहाँ पे कौन है तो कौन सा विषय गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लेते हैं तो आज जो है हम मानस के अब तक हम मानस के विषय में चर्चा कर रहे थे अब हम सीधा मानस पे चर्चा शुरू करेंगे मानस अर्थात यहाँ पर मानस शब्द का प्रयोग होगा तो वो रामचरित मानस के लिए होगा आगे से और वास्तव में इस कथा के साथ ही साथ मनुष्य मन पर चर्चा होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामचरित में बहुत मानसिक विषय बहुत गूढ़ मानसिक विषय लिए गए हैं वास्तव में यह पूरा विषय जो है यह मन का ही विषय है मानस का विषय है चित्त का विषय है विचारणीय विषय है चिंतनीय विषय है चिंतन का विषय है रामचरित मानस का जो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है इसमें या मनोवैज्ञानिक वै, वैज्ञानिक छवि बहुत ही मजबूत है और वास्तव में यह बहुत लोगों के मन पर बहुत असर करने वाला बहुत प्रभाव छोड़ने वाला यह एक ग्रंथ है चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो अगर सत्य पूछेंगे तो गोस्वामी जी तो ने हर प्रकार व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इसमें लिख दिया है कुछ ना कुछ इसमें दे दिया है तो कैसा भी व्यक्ति हो उसकी उसको अपनी चीज इसमें मिल ही जाती है वो नाराज हो उसको पढ़ के सुनकर वो एक अलग बात है उसे अच्छा ना लगे उसे बुरा लग जाए वो एक अलग बात है लेकिन है सब कुछ तो यह बहुत ही मनोविज्ञान का महत्व रखने वाला साइकोलॉजी का बहुत संबंध बनाने वाला मनुष्य के मन से यह ऐसा महाकाव्य है ऐसा ये ग्रंथ है और साथ ही साथ दर्शन तो इसका मुख्य विषय है ही गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन रामचरितमानस मानस का दर्शन क्या कहता है क्या समझाता है उस पर तो चर्चा होगी और श्री रामचंद्र जी के चरित्र उनकी कथा उस पर भी तो चर्चा निश्चित रूप से होनी ही होनी है और उन सभी प्रसंगों को उन सभी बातों को और उनके तथ्यों को तर्कों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे तो आज से शुरू कर रहे हैं श्री रामचरित मानस अब तक रामचरित मानस की चर्चा चल रही थी अब जो है अब जो हम चिंतन करेंगे वो जो उस पर करेंगे जो गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने लिखा है जो गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने लिखा है उस पर हम चिंतन करेंगे अब तक हम इसके कुछ पक्षों पर चिंतन कर रहे थे अब हम उस पर चिंतन करेंगे तो चलिए शुरू करें तो कहते हैं कि शुरू वैसे तो शुरू करने का कथाएं वथाएं होती हैं तो उसमें बहुत तरह के नियम होते हैं मंगलाचरण होता है और फिर कथा शुरू होती है लेकिन यह मैं पहले ही कह चुका हूं यह कथा नहीं है यह महाविवेचना है और कल का जो हमारा विषय रहेगा अभी बता दे रहा हूं राम कथा और रामचरित्र में अंतर क्या है ये तुलसीदास जी ने लिखा है राम कथा एक अलग विषय है रामचरित्र एक अलग विषय है तुलसीदास जी रामचरित्र लिख रहे हैं कथा नहीं लिख रहे हैं लेकिन कथा तो उसमें आ ही जा रही है चरित्र वर्णन में ही कथा आ जा रही है ये बहुत बड़ा बड़ी बात है जो समझ लेना चाहिए जो लोग भी रामचरितमानस मानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं या उसका पठन पाठन करते हैं तो चरित्र और कथा के बीच बहुत बड़ा अंतर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया ये हम उस पर देखेंगे और कल का विषय होगा कि राम कथा और रामचरित्र में क्या अंतर है बहुत बड़ा अंतर है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस विषय को कैसे लिया है उस पर भी हम चिंतन करेंगे तो इसीलिए कथाएं कई बार इतनी औपचारिक हो जाती है कि आप औपचारिकता तक ही सीमित रह जाते हो औपचारिकता से आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का यह महाग्रंथ ये महाकाव्य महा कोई औपचारिकता नहीं है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ये ना उन्होंने औपचारिकता समझ के इसको लिखा है और ना पढ़ने वालों को औपचारिकता समझ के पाठ करना चाहिए कि चलो आज थोड़ा सा इतना कल इतना पढ़ेंगे परसों इतना पढ़ेंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह सुंदर कांड पढ़ रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इस तरह का काम ना करें और जो अगर पाठ भी करना है अच्छे से करें नहीं तो सबसे अच्छा है कि चिंतन करें चिंतन करें मनन करें जो वेदांत की जो शिक्षा है वारे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि तो निधि ध्यासन करें अंत में तो चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो हम लोगों को यहाँ इस रामचरितमानस में चिंतन मनन करते हुए ही आगे बढ़ना है और क्या गोस्वामी तुलसीदास तो जी कह रहे हैं उस पर चिंतन करना है लेकिन फिर भी चलिए यह मानस का वो है कि राम और सीता जी की महिमा तो आप गाएंगे ही इसमें इसमें कोई संशय नहीं है फिर भी जो चरित्र इसके मुख्य हैं उनका आवाहन कर लेना चाहिए तो ओम तुलसीदासाय नमः ओम वाल्मीकाय नम ओम गौरीपते नम ओम श्री सपत्नी काय लक्ष्मणाय नम ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नम ओम श्री सपत्निकाय भरताय नम ओम हन हनुमते नमो नम तो हनुमान जी का आवाहन और तीनों भाइयों का आवाहन वाल्मीकि जी का आवाहन और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन ऐसे करने का एक नियम है चला आ रहा है तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए मैंने सबको नमन करते हुए अब हम इसके मुख्य विषय पर चलेंगे कि यह कहाँ से प्रारंभ होता है तो गोस्वामी तुलसीदास तो जी प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हुए वो किसकी वंदना करते हैं तो सबसे पहले वो वंदना करते हैं और वंदना करते हुए वो क्या कहते हैं तो पहली वंदना किसकी वो करते हैं तो सबसे पहले वंदना वो सरस्वती जी की करते हैं माता सरस्वती और गणेश जी की जैसे कि कोई भी अनुष्ठान हिंदू धर्म में शुरू होता है तो वो आपको गणेश जी के की तो होती होती है लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को जो कार्य करना है उस कार्य की जो देवी है अर्थात विद्या की कला की प्रतिभा की साहित्य की संगीत की साहित्य कला और संगीत इसकी जो देवी है वो माता सरस्वती है वैसे तो ज्यादातर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है कोई भी अनुष्ठान करो गृह प्रवेश करो शादी ब्याह करो नई दुकान खोलो या कुछ भी करो तो आप लक्ष्मी गणेश की पूजा वहां पर जरूर करते हैं नवग्रह पूजन भी लोग करते हैं तो ये तो होता है लेकिन अब गोस्वामी तुलसीदास जी को भी लिखना है लेकिन समझाना तो उनको अध्यात्म है समझाना तो उनको भक्ति है लाना तो उनको समाज समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए यह रामचरित मानस अपने आप में एक सोशल रिफॉर्मिंग ग्रंथ है सोशल रिफॉर्मेशन के लिए लिखा गया है सामाजिक समाज सुधार के लिए लिखा गया है तो करना तो उनको वही है लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक श्रद्धा है देवी देवताओं में उनका अपना एक विश्वास है और देवी देवता भाव रूप है शब्द रूप है मंत्र रूप है तो उस भाव की वृद्धि आवश्यक है अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो लेखन का कार्य करने जा रहे हैं साहित्य का कार्य करने गोस्वामी तुलसीदास तो जी जा रहे हैं महाकाव्य लिखने जा रहे हैं तो उसमें जो साहित्य की देवी हैं जो लेखनी की देवी हैं जो विद्या की देवी हैं वो माता सरस्वती हैं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास तो जी यहाँ लक्ष्मी गणेश की पूजा ना करके सरस्वती गणेश की वंदना करते हैं माता सरस्वती जो विद्या की देवी है जो साहित्य कला संगीत की देवी है और जो अब संगीत भी है उनके इसमें पूरा रामचरित मानस महाकाव्य है तो बिना संगीत के कैसे होगा तो वो उसमें संगीत भी चलता है फिर तो ये एक महाकाव्य की रचना तो माता सरस्वती और वह गणेश जी की वंदना जो कि बुद्धि के देव हैं विवेक के देव हैं तो वैसे भाव कि मुझे इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है और गणेश जी बुद्धिमता के देवता है अगर माता सरस्वती विद्या की देवी है कला कौशल और साहित्य संगीत की देवी है तो गणेश जी बुद्धि के देव हैं कुशाग्र बुद्धि के देव हैं वो ठीक है तो इस कारण से दोनों का आवाहन यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों के द्वारा का संयोग मिलने से ही कृपा होने से ही ऐसे भावों के मिलने से जो कि साहित्य कला संगीत का भाव है और साथ में बुद्धि विवेक का भाव है क्योंकि विवेक का होना और जब आप आध्यात्मिक विषय को लिखते हैं दार्शनिक विषय को लिखते हैं तो वहां पर विवेक का होना अति अनिवार्य होता है आप कितने तर्क संगत है तो तर्क कहां से आएगा गणेश जी से आएगा तर्क बुद्धि के देवता हैं गणेश जी स्वयं तो इसलिए गणपति महाराज का आवाहन यहाँ पर हो रहा है वर्णा नामार्थ संघा नाम, नाम रसान छंद मंगला नाम च करता रऊ वंदे वाणी विनायक अक्षर संस्कृत में ही गोस्वामी जी ने शुरू किया था तो सारे श्लोक शुरुआत में संस्कृत में मिलते हैं फिर वो अवधि पे बोलना शुरू कर देते हैं अक्षरों वर्णा नामार्थ संघा नाम रसाम रसा मंगला नाम च करता रऊ वंदे वाणी विनायक अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं सर्वप्रथम मैं उन्हीं की वंदना करता हूं ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते फिर वो भगवान शिव जो कि रामकथा के प्रथम वाचक हैं भगवान शिव की वंदना करते हैं और भगवान शिव की वंदना करते हुए क्या कहते हैं शिव पार्वती भवानी शंकर की वंदना होती है भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास या श्रद्धा और विश्वास पश्यंती गहन विषय है ये कभी अलग से ही इस विषय पर व्याख्यान लेकर आएंगे जरूर श्रद्धा और विश्वास के ऊपर क्योंकि मानस का बहुत विषय है मानस में इतना भाव है इतना गहराई है इस ग्रंथ के अंदर और इतने वैदिक सूत्रों को किस प्रकार से चौपाइयों में भरा है और छोटी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत काव्य के काव्य के अंदर अलंकृत ढंग से लिखी हुई हैं इसलिए यह अत्यंत चर्चा और चिंतन का विषय बन जाता है अब इस श्लोक के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर समय की थोड़ी कमी और आज एक दूसरा विषय पर हम लिए हैं इस विषय पर श्रद्धा और विश्वास के विषय पर लेंगे लेकिन इस पर आज भी जरूर बोलेंगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वान्त स्तमेश्वरम भवानी जी रूप है भवानी शंकरऊ वंदे और भगवान शिव जो है वह विश्वास रूप है भवानी जी रूप और शिव जो है विश्वास रूप है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण या याभ्याम बिना नापश्यंती या ना सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम कि जिनके बिना जब तक आपने इस जिनके बिना आपको अपने घट के भीतर तत्व का दर्शन नहीं हो सकता आप ईश्वरीय तत्व को नहीं जान सकते और जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप सिद्ध हो अगर आपके पास सिद्धि आ गई हो तपस्या तो करने से जैसे सुखदेव मुनि के पास सिद्धि तो आ गई थी लेकिन तत्व ज्ञान नहीं आ पाया था उसके लिए उनके पास जाना पड़ा राजा जनक के पास तो अगर आप सिद्ध पुरुष भी हो यदि आपने तत्व दर्शन नहीं किया है है तो आपके अंदर श्रद्धा विश्वास का जो मिलन है भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिनो भवानी जी श्रद्धा रूप हैं और शिव जी विश्वास रूप हैं और उनकी मैं वंदना करता हूं जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंताकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते जब तक श्रद्धा विश्वास का मिलन नहीं होगा और जब तक ज्ञान नहीं होगा श्रद्धा विश्वास का मिलन कैसे होगा भाई ये भी धर्म जब तक ज्ञान नहीं होगा श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा अब यहां पर एक बात समझने योग्य बात है क्या श्रद्धा और विश्वास ये दो अलग चीजें हैं आपकी श्रद्धा है और आपका विश्वास है आपकी श्रद्धा है और आपका विश्वास है क्या ये दो बातें हैं क्या ये दो अलग चीजें हैं तो ये बहुत गुड़ विषय है जी हां श्रद्धा अलग विषय है और विश्वास अलग चीज है मानस में इसकी बहुत चर्चा है कई जगह पर श्रद्धा और विश्वास की चर्चा है श्रद्धा आ सकती है वैसे भी आ सकती है श्रद्धा जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी माता के प्रति श्रद्धा है बहुत पूजा की माता की नहीं कुछ मिला संतान मांगा संतान की प्राप्ति नहीं कुछ ऐसी स्थिति उनकी बनी तो उन्होंने माता की पूजा छोड़ दी फिर वो कोई और पूजने लगे किसी को वो हनुमान जी को पूजने लगे साईं बाबा को पूजने लगे कोई किसी को पूजने लगा तो इस तरह से कई लोग श्रद्धा भटकती रहती है श्रद्धा कभी इधर है श्रद्धा कभी उधर है कभी किसी गुरु जी के प्रति श्रद्धा आ गई तो कभी किसी गुरु जी के प्रति श्रद्धा आ गई तो श्रद्धा का काम है भटकना विश्वास में भटकाव नहीं होता और विश्वास तो ज्ञान से होता इसलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं जाने बिनु ना हो प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रतीति कैसे होगी प्रतीति का मतलब है विश्वास दृढ़ विश्वास तो ज्ञान से विश्वास स्थिर होता है ज्ञान से विश्वास बनता है श्रद्धा तो कभी किसी देवता में कभी किसी गुरु जी में तो कभी किसी गुरु जी में श्रद्धा इधर उधर जा सकती है विश्वास नहीं जाता कभी भी एक बार अगर विश्वास बन गया तो जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए वो नहीं जाता फिर कैसी भी परिस्थिति बने विश्वास बना ही रहता है इसलिए विश्वास के अंदर एक समझदारी होती है श्रद्धा के अंदर कई बार बहाव होता है एक समय के लिए श्रद्धा में आकर विश्वास में समझदारी होती है कि भाई हाँ ये चीज है और मैं ये जानता हूं गुरु है तो गुरु के प्रति मेरा विश्वास है अब कुछ भी गुरु के प्रति हो जाए या कैसा भी स्थिति आ जाए विश्वास है तो है लेकिन यह विश्वास आता कैसे यहां पर गोस्वामी तुलसीदास तो जी एक और बात कहते हैं विश्वास जो है वो जबरदस्ती लाने की चीज नहीं है बिना ज्ञान के विश्वास नहीं आता वो स्वामी तुलसीदास जी का मानना है कि बिना ज्ञान के विश्वास नहीं हो सकता किसी को अरे भाई उसीधा कहते हैं मिर्ची तीखी है खाओगे तभी तो पता चलेगा कि तीखी है कि नहीं और जब खा लिए अब सारी दुनिया भी आपसे कहेगी नहीं मीठी है बोलो बोलेगा नहीं भाई मैंने खुद खाया है मैंने जाना है आई तो जो विश्वास है वो रियलाइजेशन से आता है जो विश्वास है वो साक्षात्कार से आता है विश्वास और श्रद्धा का अंतर समझिएगा इसलिए श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिण और ये कहीं बाहर नहीं है हमारे अंदर जो शिवजी हैं वो विश्वास रूप में हमारे भीतर है और भवानी जी श्रद्धा रूप में हमारे भीतर है जब इन दोनों का मिलन हो जाता है और वो ज्ञान से होता है वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना ना पश्यंती सिद्धा स्वान्त स्तमेश्वरम बिना श्रद्धा विश्वास के मिलन के ईश्वर का दर्शन नहीं और सिद्धों को भी नहीं हो पाता जब तक इनकी कृपा ना हो जाए तब तक और उनका मिलन होना ही घट में श्रद्धा विश्वास का मिलन है ऐसा समझना चाहिए जो कि मात्र तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान से ही संभव है तो ज्ञान के द्वारा एक श्रद्धा हमारा हमारी जो श्रद्धा है वो विश्वास को प्राप्त हो जाती है तो ये भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के रूप में तो हर भक्त के भीतर है हर भक्त के भीतर ही वो विराजमान है तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रकार गुरु वंदना करते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिनम यमाश्रुतो हि वक्रो अपनी चंद्र सर्वत्र वंदते कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिनम मैं वंदना करता हूं गुरुदेव की अपने नरहरिदास जिनके गुरु थे बाल अवस्था में ही वो नरहरिदास के साथ चले गए थे फिर गुरु आश्रम से लौटकर अपने घर पहुंचे और फिर विवाह हुआ और फिर इस तरह से जीवन आगे बढ़ा फिर गृहस्थी त्यागी अब गृहस्थी त्यागने के बाद भी कोई जाकर पारंपरिक साधु संन्यासी बने ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता लेकिन एकाकी जीवन उन्होंने जिया और मानस की रचना की और भी कई ग्रंथ है जैसे विनय पत्रिका है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और भी कई ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं मुख्य रूप से विनय पत्रिका एक प्रसिद्ध उनकी प... उनकी उन्ही रचना है तो मानस तो है ही महाप्रसिद्ध है विश्व प्रसिद्ध है रामचरित मानस तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन इसी इन्हीं सब कार्यों में बीता तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिन यमाशुतो ही वखरो वंदित है जैसे कि मैं गुरु को प्रणाम करता हूं इस धरती पर जो गुरु है वो साक्षात शिव रूप है क्योंकि जैसे शिव जी के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी सुंदर दिखाई देता है जैसे शिव जी के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी सुंदर दिखाई देता है वैसे ही संतों का संग करने से गुरु की कृपा से और गुरु के संग प्राप्त हो जाने से टेढ़े मेढ़े लोग भी हैं उनकी भी कीर्ति बढ़ जाती है संतों का संघ से दुष्ट व्यक्ति की भी कीर्ति बढ़ती है उस पर भी लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं संतों के संग में रहने से बुरे लोगों पर भी समाज विश्वास करने लगेगा तो इसलिए वो कहते हैं कि टेढ़ा टेढ़ा चंद्रमा उसका भी गुणगान उसकी भी महिमा बढ़ जाती है वैसे ही गुरु के संग में मैं ऐसे गुरु के जो शंकर स्वरूप है मैं उनको ऐसे उनकी वंदना करता हूँ वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिनम और वो गुरु वैसे ही हैं शंकर स्वरूप हैं तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास तो जी यहाँ पर लिख रहे हैं आगे फिर क्या कहते हैं आगे देख ले तो आगे वो बाल्मीकि जी का आवाहन करते हैं वाल्मीकि जी का गुणगान करते हैं क्योंकि वाल्मीकि रामायण का कथा लिखने के लिए उन्होंने सहारा लिया है अब कथा लिखने के लिए बोल रहा हूं चरित्र लिखने के लिए नहीं चरित्र कैसे लिखा है वो बाद में चर्चा में आएगा सीता राम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिनो वंदे विशुद्धा विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर वाल्मीकि जी और कविश्वर हनुमान जी अब क्यों हनुमान जी का भी नाम बाल्मीकि जी का भी नाम क्यों लिया जा रहा है क्योंकि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी तो इन दोनों कवियों को एक तो हनुमान जी भी महान कवि हैं कविश्वर और कपीश्वर इन दोनों की मैं वंदना करता हूँ इन दोनों के बिना इन दोनों की अनुकंपा जब तक ना हो ये मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे ऊपर ध्यान दें तो निश्चय ही मैं एक अच्छी रचना कर पाऊंगा आगे वो साक्षात जगत जननी का साक्षात ब्रह्म स्वरूपा का गुणगान करते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयश करीम सीता रतो अहम राम वल्लभाम उद्भव स्थिति संहार कारण यहां पर सीता जी को कौन सी उपमा दी जा रही है यहां पर सीता जी को कौन सी उपमा दी जा रही है उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीता न तो वह राम वल्लभाम की सीता जी कौन है आपने सीता जी को क्या समझ के रखा है क्या वो मात्र श्री रामचंद्र जी की अर्धांगनी है कई बार जब कथावाचक जो कथा करते हैं वो कई बार रामचरित्र मानस की कथा ही सुनाते हैं वो चरित्र नहीं सुना पाते आप राम कथा में जाकर बैठते होंगे सुनते होंगे लेकिन कथा सुन पाते हैं या चरित्र सुन पाते हैं या नहीं हो पाता है ज्यादातर कथावाचकों को मुझे तो लगता है मैं सबकी बात नहीं करता बहुत लोगों ने बहुत अनुसंधान किया होगा कथा करने के पहले शायद उनको इस बात का अंतर भी सही से ना पता हो कि चरित्र और कथा में अंतर क्या है राम की कथा और राम का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर चरित्र पर ध्यान दे रहे हैं कथा तो अपने आप हो जा रही है तो यहां पर सीता जी का क्या चरित्र है क्या राम से कम है तो वो लिखते हैं उद्भव स्थिति संघार कारण क्लेश कारणेम उद्भव अर्थात तो जो जन्म देने वाली है जो सृष्टि करने वाली है और जो पालना करने वाली स्थिति को बनाए रखने वाली है उद्भव स्थिति संघार कारण क्लेश कलेश और फिर संघार करने वाली है अर्थात जो तीनों गुणों की अधिकारिणी है जो ऐसी महादेवी है जो अपर ब्रह्म स्वरूप है जो तीनों गुणों का करने वाली है अगर हम विशिष्ट अद्वैत के हिसाब से रामानुजाचार्य के मत के हिसाब से इस श्लोक का अर्थ निकालें तो सीता जी स्वयं ब्रह्म है सीता जी स्वयं ब्रह्म है उनको किसी की आवश्यकता नहीं है वो तो स्वयं संसार को बनाने वाली संसार की पालना करने वाली और संसार का संहार करने वाली है तो कहीं पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह इसीलिए वो कहते कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम सिया का नाम हमेशा पहले आता है राम जी से इसलिए यहां पर भी अभी राम जी की वंदना उन्होंने नहीं की है अभी राम जी की वंदना उन्होंने नहीं की है पहले ही सीता जी की वंदना कर रहे हैं क्योंकि सीता जी को स्थान कौन सा मिल रहा है उनके कैरेक्टर को क्या पोजिशन दिया जा रहा है तो वो राम जी से कम नहीं दिया जा रहा है तो अगर हम यह जो कार्य है सृष्टि करना पालना करना और संहार करना यह कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश का है तो सीता जी स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश या यू कहिए कि वो तीनों की भी शक्ति है परम शक्ति है तो सीता जी को यहां पर साक्षात अगर हम विशिष्ट अद्वैत की मान्यता को ले लेते हैं तो यहां पर सीता जी साक्षात ब्रह्म है क्योंकि तो वही सृष्टि कर रही है वही पालना कर रही है और वही संहार कर रही है सब कुछ करने वाली तो वो स्वयं है उनको भला किसी की आवश्यकता ही क्या है उनको भला किसी की आवश्यकता ही क्या है ठीक तो वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है वो स्वयं ही ईश्वर है स्वयं ही परमेश्वर है सीता जी तो सीता जी को स्वयं परमेश्वर और ईश्वर का स्थान यहां पर दिया जा रहा है तो परमेश्वर और ईश्वर का स्थान देकर गोस्वामी तुलसीदास जी या सीता जी का गुणगान करते हैं और ऐसी उपमा उन्होंने अभी किसी को नहीं दी है लिखे तो उन्होंने सरस्वती जी का भी गुणगान किया विनायक गणेश जी का भी किया वाल्मीकि जी का भी किया शिव जी का भी किया लेकिन यहाँ पर सीता जी को उन्होंने साक्षात ब्रह्म उद्भव सृष्टि करने वाला पालना करने वाला और संहार करने वाली वो परम शक्ति स्वरूपा और परम श्रेयश करी सर्व क्ले सारे क्लेशों को दूर करने वाली और परम श्रेयश सर्व सर्वश्रेयश वो सीता न तो हम राम बल्लभम मैं सीता जी को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में अपने सिर को झुकाता हूँ जो कि श्री रामचंद्र जी की प्रिया हैं श्री रामचंद्र जी जिनसे प्रेम करते हैं श्री रामचंद्र जी जिनसे प्रेम करते हैं तो ऐसी उपमा ऐसी ऐसा स्थान ऐसी उपाधि सीता जी को यहां पर दी जा रही है वो सब कुछ स्वयं ही करने वाली है लेकिन चलिए अभी राम जी को वो कुछ बताएंगे तो श्री रामचंद्र जी के लिए क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा फिर और विचारधाराओं के माध्यम से हम देखते हैं यदि हम सृष्टि उद्भव और संहार को सांख्य दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो क्या आएगा सीताजी प्रकृति रूपा है क्योंकि ये तीनों कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं वेदांतियों ने विशिष्टाद्वैतवादियों ने माया को नारायण की शक्ति मानी लेकिन सब कुछ करने वाला ईश्वर को ही माना है ब्रह्म को ही माना है और अगर हम शंकर के अद्वैत की दृष्टि से देखें तो उसमें भी सब कुछ ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है भले उसकी माया है माया इंद्रियों के लिए है लेकिन है हो रहा तो सब उसके उन्हीं से है तो इसीलिए यह हमें विचार करना है कि राम जी को और सीता जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा स्थान किस प्रकार से प्रदान किया है तो गोस्वामी तुलसीदा तो जी यही चीज लिखते हैं यहाँ पर कि उद्भव स्थिति संघार कारणिम क्लेश हारणिम तो सीता जी के लिए उन्होंने यही बात लिखी है तो अगर हम पतंजलि के दर्शन से योग शास्त्र या सांख्य दर्शन से जाएंगे तो यहाँ पर सृष्टि कौन करता है प्रकृति करती है पालना कौन करती है प्रकृति करती है संहार कौन करता है प्रकृति करती है पुरुष तो निष्क्रिय है ब्रह्म को तो निष्क्रिय माना गया है वो कुछ नहीं करता है वो हमेशा सर्वदा अकरता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए सीता जी अब ब्रह्म के मुंडक उपनिषद में ब्रह्म के दो स्वरूप बता दिए गए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म तो उद्भव स्थिति और संहार करने वाली जो शक्ति है वो अपर ब्रह्म के रूप में मानी गई है और पर ब्रह्म जो निष्क्रिय है वो कुछ भी नहीं करता है तो अब आगे क्या लिखते हैं तो यहां पर सब कुछ करने और कराने वाली स्वयं सीता जी हैं और उन्हीं से सब कुछ हो रहा है सत्य भी यही है पूरी रामायण उन्हीं के आगे पीछे घूमती है तो यहाँ पर गोस्वामी श्री रामचंद्र जी का महिमा करते हुए उनके ब्रह्म स्वरूप का चित्रण करते हुए वह लिखते हैं यन ब्रह्मादि देवासुरा यत मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा ब्रह्म यत पाद पल्लव एक ही तीर्षावता वंदेअ तम शेष कारण पर रामख्यामीश हरि विशेष कारण परम राम आख्या मिशम हरिम जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है ब्रह्मादि देवता और असुर हैं जिनकी सत्ता से रश्मि में सर्प के भ्रम की भारतीय सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है अब देखिए अब यहां पर वह ले लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत क्या कि जिस प्रकार से रज्जु में सर्प सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम कि जिस प्रकार रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है वैसे ही यह संसार सत्य प्रतीत होता है लेकिन सत्य है नहीं कहने का मतलब यह है तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर उस विचारधारा को प्रारंभ में ही लेके आ जाते हैं शुरुआत में ही लेकर आ जाते हैं जो जिसकी विवेक चुड़ा मणि में कई बार चर्चा हुई है एक बार नहीं कई बार आदिगुरु शंकराचार्य ने यह उदाहरण समुद्र और समुद्र की लहरों का उदाहरण अग्नि और अग्नि के लपटों का उदाहरण हालांकि ये सारे उदाहरण उपनिषदों में भी मिलते हैं उपनिषदों में भी लिए गए हैं तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं पर ब्रह्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूं जिनकी माया से जिनकी मतलब कि उन्हीं की शक्ति है जो प्रकृति है उन्हीं की शक्ति है लेकिन वो स्वयं नहीं करते प्रकृति करती है श्रीमद भगवद गीता का नवा अध्याय भगवान कहते हैं कि मेरे सकाश से मेरे सकाश से प्रकृति जो है सृष्टि करती है ठीक है ना मेरे सकाश से भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बात कही है प्रकृति जो है सृष्टि करती है तो अब सीता जी सब कुछ कर रही हैं लेकिन अब यहां पर सीता और राम को जब तो जी यहां पर लिख रहे हैं तो जिनके जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है ब्रह्मादि देवता और असुर हैं जिनकी सत्ता से रस्सी सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है उन समस्त कारणों से परम कारण जो है उन समस्त कारणों से वह जो परम कारण है जो सब कारणों से परम कारण स्वरूप है और सब कारणों से ऊपर है मैं ऐसे राम कहलाने वाले श्री हरि की वंदना करता हूं रामाख्य मीशम हरिम मैं उनकी वंदना करता हूं जो परम कारण है परम कारण मतलब जो ब्रह्म है परम कारण मतलब जो ब्रह्म है यहाँ पर वो राम तत्व की चर्चा कर रहे हैं यहां पर वो रामावतार की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहां पर राम तत्व की चर्चा कर रहे हैं और राम तत्व के बारे में स्कंद महापुराण में कहा जाता है रमते सर्वभूतेशु अस्थावरेशु च जो सभी भूत प्राणियों में रमन कर रहा है अंतर आत्मा स्वरूपेन यक्ष रामेती कथ्यते राम किसे कहते हैं रमते सर्वभूतेशु जो सभी भूतों में रमण कर रहा है अस्थावरेशु चरेषु च जो सभी स्थानों पर रमन कर रहा है जो चर अचर में रमन कर रहा है चर अचर में रमन कर रहा है रमते सरभूतेषु अस्थावरेश च अंतर आत्मा स्वरूपेण जो अंतर आत्मा में भी रमन कर रहा है स्वरूप में रमन कर रहा है हमारा मूल स्वरूप ही वही है तो राम ही हमारा मूल स्वरूप है तो जो हमारी अंतरात्मा में भी रमन कर रहा है यक्ष रामेति कथ्य थे उसी को राम कहते हैं वह सर्वव्यापी सत्ता वह सर्वव्यापी ब्रह्म की सत्ता जो संपूर्ण जगत का परम कारण है कारण से के परे भी कारण है क्योंकि स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है अर्थात हिरण्य गर्भ है ये जो स्थूल सृष्टि आप देखते हैं इंद्रिय में जो सृष्टि है इसका जो कारण है वो हिरण्य गर्भ है और उसका भी जो परम कारण है इस बात को भगवान कृष्ण ने भी बहुत अच्छे से श्रीमद भगवद गीता में लिखा है दिया है बताया है तो जो परम कारण है कारण का भी जो परम कारण है जो परम धाम है जो पुरुष है जो परम पुरुष है जो ब्रह्म है आप वही समझो कि वही स्वयं राम जी हैं वही स्वयं राम जी हैं और वो मोक्ष के कारक हैं, हर जीव के कल्याण के कारक हैं, वह तो सकाश रूप में है और सीता जी उन्हीं की शक्ति हैं, वो स्वयं ईश्वर रूपा है और सीता जी ही सृष्टि करने वाली है जी ही पालना करने वाली है सीता जी ही संहार करने वाली है। इस प्रकार से सीता जी और राम जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में जो लिखते हैं अब यहां पर परम कारण के रूप में रामचंद्र जी को लिखा गया कि वो तो परम कारण है और राम शब्द का भी अर्थ वही होता है परम कारण है जो कणकण कर में व्याप्त है जो हर जगह रमन कर रहा है उस परम कारण को ही राम कहा गया तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही यहां पर यह तथ्य दे देते हैं और उस परम कारण को बता देते हैं कि सीता जी क्या है और राम जी क्या है यह बता देते हैं कि वो कारण है लेकिन सारी शक्ति जिसकी है जो करने वाली है इसीलिए कहते हैं अगर हम अब, अब आप यहां पर फिर से सांख्य शास्त्र पे चले जाइए तो सांख्य शास्त्र क्या कहता है कि पुरुष निष्क्रिय है प्रकृति क्रियाशील है सृष्टि कौन करता है प्रकृति करती है पुरुष कुछ नहीं करता उसका सकाश है चेतना रूप में उसी का सकाश प्रत्येक जीव में व्याप्त है पूरे सृष्टि में व्याप्त है उसी का सकाश चेतना के रूप में उसका सकाश है जो भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और उस प्रकृति को ही फिर अपर ब्रह्म भी कहा गया है उस प्रकृति को ही फिर अपर ब्रह्म भी कहा गया है उपनिषदों में तो अब यहां पर जो सब कुछ करने वाली है इसलिए राम जी के लिए क्यों नहीं लिखा उन्होंने अब विचार करो सीता जी के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं उद्भव स्थिति संहार कार्य निम क्लेश हार निम सर्वश्रेयस्करी सीता न तो अहम अब यही बात कि जन्म देने वाली पालना करने वाले और संहार करने वाले राम जी हैं यह बात तो उन्होंने नहीं लिखी विचार कीजिए कि राम जी को यह बातें क्यों नहीं लिखी गई उनको परम कारण के रूप में बता दिया गया यहां पर यह सिद्धांत है यह सांख्य का सिद्धांत यहां प्रतिपादित किया जा रहा है एक तरह से वह परम कारण रूप है जो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद भगवत गीता में कहते कि सकाश ब्रह्म के सकाश से प्रकृति की सारी क्रियाकलाप चलता है सारी सृष्टि होती है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अगर पतंजलि योग सूत्र में चले जाए सांख्य दर्शन में चले जाए तो जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति कर रही है सब कुछ प्रकृति कर रही है हाँ उस प्रकृति का सक, को सकाश प्राप्त होता है लेकिन जो इच्छा है वो सब प्रकृति की है जितनी कामनाएं हैं जितनी इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है सब प्रकृति के वशीभूत होकर किया जा रहा है प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर तू तो सारे कर्म करता है और तू कर्म किए बिना रह भी नहीं सकता है ये तेरी बाध्यता है, है इस शरीर में जो भी आएगा वो कर्म करेगा जो भी इस योनि में आएगा जो जीव रूप में आएगा वो कर्म करेगा सो तो कर्म करना है तो ये कर्म करने की बात यहां पर ना 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 ना। प्रमाणित होती है कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सीता जी के सीता जी उसको करने वाली है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा ईश्वर रूपा प्रकृति रूपा है और लेकिन जो कारण है जो परम कारण है जिसका सकाश है वह तो स्वयं श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म है वही स्वयं परम ब्रह्म होकर निष्क्रिय होकर वह निष्क्रिय और सीता सक्रिय तो पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत से यहां पर जोड़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी नजर आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं उनके इससे प्रमाणित हो रहा है कि वो सीता जी को अपर ब्रह्म ईश्वर स्वरूप ईश्वर भावनात्मक है शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार तो वह वह ईश्वर कौन है यहाँ पर तो सीता जी ही वह ईश्वर हैं तो सब कुछ करने वाली हैं सृष्टि भी करने वाली है पालना भी करने वाली है संहार भी करने वाली है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं और अगर आप इन देवों को मानते हैं तो उनकी ही प्रेरणा से कर रहे हैं ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है तो सीता जी को कौन सा स्थान प्राप्त है यह विचार करने योग्य बात है जो कथा वाचकों से शायद छूट जाता है मैंने बहुत नहीं के बराबर सुना है किसी की कथा जिसमें कि सीता जी के, के चरित्र वर्णन को सही से किया जाए लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को पूरी ईमानदारी से लिखा है उन्होंने तो सीता जी को नमन में और सीता माता के स्मरण में और उनकी गुणगान में बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं बहुत सारी बातें लिखी हैं तो इसीलिए यहाँ पर सीता जी का क्या स्थान है वो समझ लेना चाहिए इसीलिए जहां पर भी आएगा वो सिया राम आएगा सिया राम चरित्र की बात करते हैं वो नाम है लेकिन सिया राम में सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जग सिया राम चरित्र पावन सीता राम का चरित्र बड़ा पावन है और बिना सीता जी के चरित्र का वर्णन किए राम जी के चरित्र का वर्णन संभव नहीं है इस, इसको भी गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं इसलिए पहले सीता जी के चरित्र को लिखते हैं सीता जी कौन है यह बतलाने की कोशिश करते भाई समझ लो ये साक्षात जगत जननी है यह साक्षात ईश्वर है जो सृष्टि कर लेती है पालना भी करती है और संहार भी करती है तीनों काम करती है ये ठीक तो ये पहले सीता जी का वर्णन करके सीता जी की वंदना करके उनका गुणगान करके उनके चरित्र का गुणगान करके अब श्री रामचंद्र जी के चरित्र को वो लिखते हैं कि वो तो साक्षात परम कारण पर ब्रह्म है पर ब्रह्म स्वरूप है और मोक्ष रूपा है मोक्ष प्राप्त करने वाले जो साधक है समाधि में लीन होने वाले जो साधक है उसी कारण ब्रह्म में लीन होते हैं कैबल्य के द्वारा उसी कारण ब्रह्म में जाकर लीन हो जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी चर्चा यहां पर कर रहे हैं तो चलिए अभी हम इस चर्चा को अब विराम देंगे कि आज का जो विषय था वो पूर्ण हो रहा है इस चर्चा के साथ अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी एक और श्लोक संस्कृत में लिखेंगे और उसके बाद अवधि शुरू हो जाएगी तो वो विषय परिवर्तन है वहां से विषय क्या शुरू हो रहा है रामचरित्र मानस की रचना का आधार क्या है और कथा क्या है और चरित्र क्या है राम कथा का वर्णन और रामचरित्र का वर्णन क्या एक ही बात होता है आपने राम कथा सुना दी और रामचरित्र सुना दिया क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है हो सकता है कि किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को एक जैसा लगे लेकिन दोनों ही अलग विषय है कैसे अलग विषय है और थोड़ा बहुत अलग है नहीं है बहुत ज्यादा अलग है चरित्र का वर्णन करना और कथा को लिखना और जब वो बात श्री रामचंद्र जी पर हो ईश्वर के ऊपर जब चर्चा चल रही हो स्वयं अवतारी भगवान राम पर चर्चा चल रही हो तो दोनों को लिखना कथा सुनाना और चरित्र सुनाने में बहुत बड़ा फर्क बहुत बड़ा फर्क है छोटा मोटा अंतर नहीं है बहुत भारी अंतर है और ज्यादातर रामकथा सुनने वाले या रामचरित्र मानस का पाठ करने वाले शायद ही इस विषय पर विचार करते होंगे कि रामकथा सुनना और चरित्र रामचरित्र सुनने में अंतर क्या है फर्क क्या है तो चलिए उस पर हम कल चर्चा करेंगे कल इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ेगी चौपाइया और ऐसा नहीं या कोई मैं तर्क ढूंढ के ला रहा हूँ इसमें से ये मानस का विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी इस अंतर को बता रहे हैं कि कथा और चरित्र में अंतर है कथा लिखना और चरित्र लिखने में अंतर ये स्वयं गोस्वामी जी बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं आइए उस पर कल की चर्चा कल नौ बजे जरूर जुड़िए इस विषय पर और सुनेंगे कि कथा और रामचरित्र का फर्क क्या है कैसे फर्क बनता है और बहुत बड़ा फर्क बनता है तो चर्चा करेंगे तो अभी विराम देते हैं और ध्यान योग कोर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं एक दिन का समय है कर लीजिए और प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है वो कल शुरू होगा जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं किया है ज्वाइन कर लें प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बातें ये दोनों अलग अलग कोर्स हैं ध्यान योग का कोर्स इस विशेष रूप से हाँ ये एक अलग बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा में भी ध्यान चिकित्सा भी होता है ध्यान चिकित्सा भी आता है जिसमें हीलिंग वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं वो एक अलग विषय है तो अभी पीछे जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो ज्वाइन किए हुए हैं उनका भी कोर्स अभी चल ही रहा है थोड़ा और दिन चलेगा उनका और लेकिन कल जो नए सदस्य हैं प्राकृतिक चिकित्सा के उनका कोर्स कल शुरू किया जाएगा जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी कर लें तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं क्या आपकी टिप्पणियां हैं उसको भी देख ले सविता नायक जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका कमलेश खैरनर जी विक्रम सिंह जी राजू पाल जी शंकर प्रसाद जी श्वेता कुमारी जी अवनी प्रधान नवज्योतिनाथ संतोष देवी विनोद कुमार सूद धर्मेंद्र शर्मा जगत नारायण जी नवजोत नाथ जी गुरु जी प्रणाम साधना किस बुक में है कृपया बताइए प्रणव साधना के बारे में विस्तार से बताइए सर प्रणव साधना कोई ऐसी चीज़ नहीं कि विस्तार से अभी यहाँ पे बता दिया जाए ठीक है ए के सिंह जी आप उसके लिए ध्यान युग का कोर्स करिए और उससे आपको अवश्य प्राप्त होगा ए के सिंह जी शिवम भट्ट जी रमेश पेशवानी जी पंकज सोनी जी ध्यान में छिटके क्यों महसूस होते हैं व्यक्तिगत साधना का यह विषय है माधुरी कोले जी गोविंद प्रसाद नेमा जी वेंदेश्वरी मिश्रा जी सतीश जी ठीक है हाँ जी चावड़ी निवड़ी जी ठीक है बहुत बहुत अभिनंदन रूपलाल विश्वकर्मा जी रामलखन राजपूत स्मिता सावंत बिस्लाल बहादुर सिंह जी चंद्रेश्वर पांडे जी उषा श्रीवास्तव जी अशोक गोयल जी चितरंजन बरुआ जी सीता राम माली पिंटू वासवा मुकेश प्रसाद जी अवनीश प्रजापति सरमानंद पंडित मुकेश प्रसाद योगेंद्र पंडित जलाराम रायका रा, मुके राम लखन राजपुर रचना जी गौरव सिंह जी बिक्रम सिंह जी पूनम सिंगला विष्णु चंद्र मौर्या जी बहुत अभिनंदन है मुकेश प्रसाद जी बिमला शाह जी पवार जी कृष्ण भारवाज जी पर्सनल क्वेश्चन के बारे में कहाँ संपर्क करें नंबर पर संपर्क कीजिए नाइन डबल सिक्स वन एट ज़ीरो टू फोर फाइव नाइन इसी नंबर पे आप पर आप संपर्क करेंगे पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कृष्णा भारद्वाज जी आप व्हाट्सएप मैसेज पहले करेंगे नंबर पर संपर्क करेंगे मुकेश प्रसाद जी एके त्यागी जी सागर बदगुजार जी सर बाली जिससे भी उदाह करता था तो दूसरे की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी श्री राम की शक्ति भी आ जाती क्या तो श्री राम ने डर कर मारा बाली ये तो विषय है सागर बद गुजार जी अभी ऐसा है कि अभी इस विषय को छेड़ना ठीक नहीं है क्योंकि रामचरित मानस की चर्चा शुरू हो गई ये अपने आप आ जाएगा यह जो विषय है अपने आप आ जाएगा और आप प्रतीक्षा करें जुड़े रहे आगे बढ़ने दीजिए विषयों को यह प्रसंग जब आएगा तो उसमें इसका स्पष्टीकरण इस हो जाएगा क्यों चिंता करते हैं गंभीर शाह जी बलवंत सिंह गोहिल ज्योन्ती दत्ता जी मनीष पांडे दीपा मैकेलेटर जी इंग्लैंड से बहुत बहुत आपका अभिनंदन है बबीता धीमान जी भरत छबलानी भीखू कुचारिया जी अर्जुन पाटिल जी सरस्वती कुमारी चंद्रपाल सिंह जी बहुत सुंदर विवेचन ठीक है कल्पना बागड़े जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका प्रणा सिंह एसपी सैनी वीरेंद्र मिश्रा वीरेंद्र मिश्रा विश्वनाथ सिंह जी हम्म चलिए ठीक है सर दो चीज मिलकर ये दुनिया बनी है ऊर्जा और पदार्थ तो पुनर्जन्म कैसे उदाहरण बलूं ये ऊर्जा और पदार्थ आपको किसने बता दिया कि दो चीज़ों से दुनिया बनी है ऊर्जा और पदार्थ ये आपने खुद ही मान लिया इसीलिए मैं बोलता हूं कि लोग ज़्यादा वैज्ञानिक बनने के, के चक्कर में कई बार पूरा कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रख देते हैं जो ऊर्जा है ना वही शक्ति है वही देवीय शक्ति है ऊर्जा ही प्रकृति है ऊर्जा ही प्रकृति है बस इतना समझ लीजिए ठीक और वो ऊर्जा जो है वही अनेक रूप धारण करती है वही सॉलिड हो जाती है वही गैस स्टेट में चली जाती है वही लिक्विड हो जाती है अब ऊर्जा ही सब कुछ होगी ना तो पदार्थ क्या हुआ फिर बताइए ठीक ये एनर्जी और मैटर का जो क्वांटम फिजिक्स है वो यहां पे मत लाइए वो अपने आप में कंप्लीट थ्योरी नहीं है एनर्जी इज एवरीथिंग एनर्जी ही मैटर का फॉर्म ले लेता है ठीक एनर्जी ही मैटर का फॉर्म कहीं से थोड़ा ऊर्जा पदार्थ बोल देने से नहीं होगा एनर्जी एंड मैटर व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स ठीक तो ये क्वांटम फिजिक्स का ये विषय है और उसको आप ऊर्जा पदार्थ से सब चीजें मिलकर बनी है इसको आप यहाँ पर मत लाइए मैं फिजिक क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी इसलिए बोल दिया क्योंकि ये ऊर्जा पदार्थ वहीं से आता है ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है ठीक तो ये था कि मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हमेशा और दर्शन में फिर विशेष रुचि बढ़ती गई बस इतनी सी बात है ठीक मनोज चौहान जी अजीत श्रीवास्तव जी मुकेश प्रसाद ए के त्यागी गुरु जी प्रणाम रामचरित मानस में मानस शब्द का अर्थ क्या चर्चा हो तो गई मानस का मतलब आपका मन है ठीक है आपका चित्त है तो राम का चरित्र मानस में आने की जो विधि है वो रामचरित मानस है इसका नाम रामचरित मानस इसलिए है कि आप राम का चरित्र हमारे मानस में कैसे आए मनुष्यों के मानस में कैसे प्रवेश करें तो इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए तो इसको पढ़ने से आपके मानस में श्री रामचंद्र जी का चरित्र आ जाएगा और कथा नहीं यह चरित्र का महत्व है कथा चरित्र में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे गौरव सिंह जी सविता नायक सतगुरुदेव जी को बारंबार सादर चरण स्पर्श जय हो बहुत ही सुंदर विवेचना प्रशांत सेठ विष्णु शर्मा अनुरूपी आत्मा अपने आप में रूप बड़ा या छोटा कर सकता है या अनुरूप में ही रहता है आत्मा अनुरूपी तो नहीं है अनुरूपी कहने का मतलब क्या है आत्मा तो ब्रह्मस्वरूप है आत्मा तो सर्वव्यापी है आत्मा तो विचारातीत और भावातीत है तो विचारों में यह अनुशब्द तो विचारों का विषय आ जाता है यहां पर एक छोटा भाव दे दिया गया ठीक है आत्मा तो सर्वव्यापी है अद्वैत सिद्धांत यही कहता है विभिन्न रूप से विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त करके भ्रम आत्मक स्थिति उत्पन्न करके थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए जय माता दी जय कारा शेरा वाली का मतलब भ्रामक स्थिति थोपने का जो प्रयास है वो किस प्रकार से होता है उसको आप आपके अनुसार बता दीजिए निजी बाकी यहां पर तो अब सांख्य दर्शन के अनुसार देखना क्या शास्त्रविहीन दृष्टि होगी अगर मैंने यह कहा कि सीता जी को यहां जो रूप दिया जा रहा है अगर उसे हम सांख्य विचारधारा के अनुसार समझे तो क्या वो शास्त्र सम्मत विचारधारा नहीं है क्या कहना चाहते हैं आप और दूसरी बात अगर आपको लग रहा है किसी को भी लग रहा है कि यहां पर विभिन्न रूप से विभिन्न प्रचार प्रकार का विचार व्यक्त करके भ्रम आत्मक स्थिति पैदा हो रही है तो कृपया अपना समय बर्बाद मत करिएगा ठीक है मुकेश प्रसाद जी बहुत अभिनंदन नीति सिन्हा जी जयंती भाई पटेल आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है चलिए इसी के साथ आ, विराम देते हैं और बहुत सुंदर टिप्पणियां आप लोगों ने की है मुकेश प्रसाद जी ने बहुत सारे फूल और बहुत सारे ओंकार के चित्र बहुत भेजे हैं ठीक है अच्छी बात है चलिए अब विराम देते हैं और कल फिर चर्चा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य को कैसे ले आते हैं कि कथा और चरित्र के बीच का क्या फर्क है क्या अंतर है बहुत बहुत आभार आप सभी का कल फिर नौ बजे मिलते हैं और इसका आनंद उठाते हैं इसका लाभ उठाते हैं